हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा इस वीडियो में। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि स्टोन चेन लोडिंग मनी लगा के कैसे डिजाइन बनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस देखिए दोस्तों, मैंने काम स्टार्ट कर चुका हूँ और फर्स्ट एक जरी में लाइन ऐसे दे देना। अब जरी का लाइन देने के बाद क्या काम करना वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और जो लोग प्लीज़ नया हुआ हमारे चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये काम स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये काम मैं कैसे बनाया हूँ, वो मैं खुद करके दिखाऊँगा आप लोगों को। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं ये लोडिंग देने जा रहा हूँ, ये लोडिंग बना रहा हूँ। लोडिंग देखो कैसे बनाते हैं, मैं रोज तो दिखाते रहता हूँ। आज अपना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये धागे ऐसे लगा लेना, लगाने के बाद इसको धागे में, इसको साड़ी के कलर में फिलअप कर देना। देखिए गाइस, ये धागे में जो साड़ी का कलर है, इसमें ये कलर है, लाइट ऑरेंज है। अब ये कलर में मैं ऐसे फिलअप कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या काम करना है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, खुद मैं बना के दिखाऊंगा, खुद मैं करके दिखाऊंगा। और आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लोडिंग बना चुका हूँ। अब लोडिंग बनाने के बाद क्या काम करूँगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये सॉरी दोस्तों ये देखिए, अब इसके ऊपर ऐसा काम कर रहा हूँ। अब ये कौन सा कलर में काम कर रहा हूँ वो देखिए। ये मैंने जो ब्लाउज का कलर है पिंक कलर, वो पिंक कलर में मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसके ऊपर कांटा ऐसा पिंक कलर में दे रहा हूँ। अब देने के बाद क्या काम करना वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप एक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? स्किप कर दीजिएगा तो आप हमारा डिजाइन को पूरा कम्प्लीट नहीं देख सकते कि मैं कैसे स्टेप टू स्टेप बताता हूँ। वैसा आप लोग ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए बात को। अगर समझ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ लीजिएगा तो आप लोगों को बनाने के लिए बहुत ही आराम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ और आज भी बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊँगा और एक यूनिक डिजाइन बना के भी दिखाऊँगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैंने ये मनी लगा लिया हूँ लोडिंग का ये साइड से, एक मनी लगा लिया हूँ लोडिंग के बाद। अब फिर से एक और मनी लगाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये फिर से मैंने मनी एक लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब कितना मस्त लग रहा है, अब इससे भी अच्छा लगेगा। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डिजाइन बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत एकदम की एकदम धमाकेदार डिजाइन है। ये डिजाइन आप लोगों को फर्स्ट टाइम दिखा, आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने ये मनी लगा लिया हूँ। अब मनी लगाने के बाद अब क्या काम करूँगा वो भी मैं खुद करके दिखाऊँगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं भी इससे भी यूनिक अच्छा अच्छा डिजाइन, यूनिक डिजाइन आप लोगों को रोज़ देते रहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं करता हूँ वैसे इससे भी अच्छा अच्छा डिजाइन शेयर करूँगा। इसके लिए बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने और एक मनी लगाने के बाद एक स्टोन चेन लगा लिया। अब फिर से मैं ऐसा मनी लगा रहा हूँ। अब एक लाइन और मनी लगाऊंगा। अब मनी लगाने के बाद क्या काम करूँगा वो भी आप लोग करूँगा, करके दिखाऊँगा। ये देखो दोस्तों, ये मनी कट गया। अब मनी कटने से कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम मामूली आसान तरीके से मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे ज्वाइन किया जाता है, कट जाने के बाद अगर मनी कट भी जाता है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करने में एकदम आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं अभी किया हूँ ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब ये मैंने स्टोन चेन मनी लोडिंग सब कुछ दे चुका हूँ। अब गाइस, मैं आप लोगों को डिजाइन दिखाने वाला हूँ कि डिजाइन कैसे बनाता हूँ, इसका डिजाइन कैसे बनाऊँगा वो दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों गाइस, ये देखिए मैंने ये ऐसा पत्ती छः छः देना। अब आप लोग भी ऐसा छः छः पत्ती देना। ये मैं जरी में बना रहा हूँ। अब इसके बाद क्या धागे का काम है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए प्लीज़। ये देखिए मैंने ये जरी में ऐसे छः छः पत्ती दे देना दे दिया हूँ
आप लोग भी दे दीजिएगा। ये ऐसे छः छः पत्ती देने के बाद क्या काम करना है वो भी आप लोगों को एकदम देखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट तो काम ये लास्ट है, इसके बाद जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और आप लोग बात को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे छः छः पत्ती दे दिया हूँ, अब आप लोग भी ऐसे दे देना। अब छः छः पत्ती में ऑलमोस्ट दे चुका हूँ, और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बैलेंस है। अब इतना छः छः पत्ती देने के बाद मैं क्या काम करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, उसको ज़रूर आप लोग देखना। अगर नहीं देखना है तो जिसको अगर बनाना नहीं है, जिसको सीखना नहीं है वो नहीं देखेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसको अगर इच्छा है ऐसा डिजाइन बनाने का, ऐसा डिजाइन सीखने का हमारा डिजाइन, तो आप लोग देखते रहिए प्लीज़। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये छः छः पत्ती बना रहा हूँ, अच्छे अच्छे पत्ती बना चुका हूँ। बनाने के बाद ऐसे स्केलअप भी दिया हूँ। देखिए गाइस, मैंने छः पत्ती के बाद बनाने के बाद ऐसे स्केलअप लेके फिर छः पत्ती बनाया हूँ, फिर से ऐसे स्केलअप लेना, फिर ऐसे छः पत्ती बनाना। अब छः पत्ती बनाने के बाद फिर ऐसे स्केलअप लेना, हो गया। मैंने छः पत्ती बना दिया हूँ, जरी का काम मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं आऊँगा धागे में। अब धागे में कैसे काम करूँगा वो लोग, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने अब धागा लगा रहा हूँ, ये साड़ी का कलर धागा है। ऐसे डॉट्स देना, इसके ऊपर एक पत्ती देना। ये देखिए, मैंने ऐसे डॉट्स दिया, देने के बाद ऐसे पत्ती देना, फिर बीच में ऐसे डॉट्स देना, फिर ऐसे पत्ती देना, फिर ऐसे डॉट्स देना, फिर पत्ती देना, ऐसे डॉट्स देना, एक एक पत्ती देना ऊपर में। एकदम जो छः छः पत्ती दिया हूँ उसको ऊपर एक पत्ती दे देना, ऐसे बलून के ऐसे एक पत्ती देना, और जो गैप है उसको एक डॉट्स दे देना। और स्केलअप का साइड से ऐसे सिंगल ले लेना। देखिए दोस्तों, स्केलअप का साइड से ऐसे सिंगल लेके एक डॉट्स देना, अब इसके ऊपर एक पत्ती देना। अब देखिए कितना मस्त लग रहा है डिजाइन, और ये डिजाइन आप लोगों को बहुत ही मस्त लगेगा, एकदम बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो में कितना कैसा लग रहा हो तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा समझ में नहीं, मुझे नहीं मालूम है। फिर भी दोस्तों, ये अगर डिजाइन लाइव बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये कर चुका हूँ, अब इधर मैं सिंगल लाइन दे रहा हूँ। देखिए गाइस, ऐसा सिंगल लाइन हमेशा देना, हमेशा डिजाइन में ऐसा सिंगल लाइन दो 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 दीजिएगा, दो दो लाइन ऐसा दोगे तो बहुत ही मस्त लगेगा, एकदम की जाने की एकदम फिनिशिंग, नीट फिनिशिंग लगेगा। ऐसा फिनिशिंग आप लोग कभी देखे नहीं होंगे मशीन वर्क का काम, कि मैं ऐसा फिनिशिंग बनाता हूँ मशीन वर्क में, बहुत ही फिनिशिंग बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने फिर से धागा लगा रहा हूँ। अब ये कौन सा धागा है, ये जो ब्लाउज का कलर है वो ब्लाउज के कलर का धागा है। अब ब्लाउज के कलर का धागे में ये जो नीचे गैप है, ये गैप को थोड़ा सा ऐसा हल्का सा फिलअप कर देना। अब फिलअप कर लेना ऐसे, ऐसे फिलअप करने के बाद क्या काम करना है। देखिए दोस्तों, ये लास्ट काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब ये देखिए, मैंने ऐसे फिलअप कर रहा हूँ। अब फिलअप करने के बाद क्या काम करूँगा वो आप लोग देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, बाद में नहीं तो आप लोगों को तकलीफ होगा। ये देखिए, जो गैप रह गया वो गैप में मैं ऐसे सिंगल लाइन दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने सिंगल लाइन दे दिया हूँ, आप लोगों को समझ में